हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक से रिलेटेड जिसका नाम है तिलक नगर। यहां पर ये स्टॉक्स है, काफी यहां पर अच्छा खासा नजर आ रहा है। बट कुछ अगर हम बात करें, अच्छी चीजें होती है तो उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट्स भी होते हैं। बस फॉल्ट से रिलेटेड ही बातें करेंगे, मतलब इसमें कुछ नुकसान भी हो सकता है। ओके, उससे रिलेटेड बातें करेंगे, कंपनी करती क्या है उससे रिलेटेड बातें करेंगे, और जिस तरीके से यहाँ पर अब गर्मी बढ़ने वाली है तो शायद ये शेयर यहाँ पर आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। तो कहीं ना कहीं गर्मी से इसका रिलेशन है। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे, जानेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल आपका चैनल है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डाले आपको वीडियो यहाँ पर मिले और यहाँ पर आप चीजें देख सके, सीख सके। तो यहाँ पर अलग अलग वीडियोस बनाई जाती है, सिखाया जाता है। देखिए, कावेरी शीट से रिलेटेड वीडियो परसों की डेट में बनाई थी, आज 3-4% ये ऊपर था। इसके अलावा यहाँ पर ये लगभग इसी प्राइस पे अभी चलता हुआ नजर आ रहा है, बट बहुत जल्दी यहाँ पर आगे भागता हुआ नजर आएगा। कुछ दिन पहले आपको एक स्टॉक दिया था यहाँ पर BLS इंटरनेशनल, 15% के रिटर्न अभी तक दे चुका है 5 दिन के अंदर अंदर। तो इसी तरीके से आपको स्टॉक का सिलेक्शन करना है। तो ये इस चीज को लिए आप हमें फॉलो करिए, तो आप फॉलो करेंगे तो बेहतरीन आपको स्टॉक्स यहाँ पर हमारी तरफ से मिलते हुए नजर आएंगे। एज वेल एज हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाना है तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर नंबर नीचे दे रखे हैं, इन नंबरों पर डिस्क्रिप्शन में आपके नंबर दे रखा है, तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमें हमारे फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। बट कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है और सिंपली यहाँ पर हमारे चैनल को की वीडियोस को जाके लास्ट तक देखना है ताकि आप चीजें समझ सके। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं तिलक नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। तिलक नगर इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, कंपनी करती क्या है, तो देखिए, इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ इंडियन मेड फॉरेन लिकर। तो मतलब क्या है कि फॉरेन लिकर्स बनाती है, बट ये जो लिकर्स है वो इंडिया में ही बनती हुई नजर आती है। इनके अगर हम ब्रांड की बात करें तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ब्रांड्स है, जिसमें अगर कोई यहाँ पर इसे कंज्यूम करता होगा तो उसे पता होगा यहाँ पर ये कंपनी ब्रांडी में काम करती है, विस्की में, वोडका में, जिन में एंड रम में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। इसके अलावा यहाँ पर रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो विस्की 65% का इनका रेवेन्यू आता हुआ दिखाई देता है, जो कि यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ब्रांडी की बात 19% है, रम की बात करें 12% है, व्हाइट स्प्रिट्स की बात करें तो यहाँ पर 4% का यहाँ पर रेवेन्यू आता हुआ दिखाई देता है। ज्योग्राफिकल स्प्लिट की बात करें तो लगभग 91% यहाँ पर इंडिया में ही कंज्यूम होता है, और एक्सपोर्ट की बात करें तो 9% इनका एक्सपोर्ट होता हुआ दिखाई देता है, जो कि बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। द कंपनी एक्सपोर्ट्स इट्स प्रोडक्ट टू रीजन सच एज ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट एंड यूरोप में भी इनके प्रोडक्ट्स जाते हुए दिखाई देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करें तो कंपनी हैज वन ओन फैसिलिटीज, 3 ऑपरेटिंग लिकर सब्सिडरी, 3 लीज्ड एंड 9 टाई अप यूनिट्स। स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड अक्रॉस इंडिया, इट ऑल्सो हैज 100 KLPD मोलासिस बेस एंड 100 KLPD ग्रेन बेस डिस्टिलेशन प्लांट्स एंड IMFL बॉटलिंग प्लांट एट श्री रामपुर। तो महाराष्ट्र में इनके इनके प्लांट्स हैं यहाँ पर दिखाई देते हैं। ब्रांडिंग की बात करें तो कंपनी हैज अ रोबस्ट पोर्टफोलियो ऑफ ओवर 25 ब्रांड्स अक्रॉस वेरियस प्राइस पॉइंट्स। इनके पास 25 ब्रांड है अलग अलग प्राइस के। सम ऑफ द उनके कुछ ब्रांड की अगर हम बात करें तो मेंशन हाउस ब्रांडी, कुरियर नेपोलियन ब्रांडी रेड, एज वेल एज कुरियर नेपोलियन ब्रांडी ग्रीन, मडीरा रम, यहाँ पर ब्लू लगून जिन यहाँ पर आती है, मेंशन हाउस विस्की, सेनेट रॉयल विस्की यहाँ पर इनके पास यहाँ पर दिखाई देती है। इसके अलावा मार्केटिंग नेटवर्क की बात करें, सेल्स थ्रू स्टेट कॉर्पोरेशन यहाँ पर बात करें तो इनका देखिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। इट ऑल्सो ऑपरेट्स थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन महाराष्ट्र में, गोवा में, सिलवासा, असम, सिक्किम एंड पांडुचेरी। द कंपनी इज ऑल्सो वन ऑफ द डोमिनेंट नेम इन द कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट मार्केट प्लेस। तो अगर बात करें कैंटीन स्टोर्स का मतलब क्या है, या आपने देखा होगा यहाँ पर फौजियों की अलग अलग कैंटीन्स आती रहती है, कैंटीन है होती है, तो वहां पर भी इनका ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर रखते हैं। सेटलमेंट की बात करें, ड्यूरिंग फाइनेंशियल 21 सेटलमेंट एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वाज इंटर्ड एंड एग्जीक्यूट अंडर विच ये जो इनका लोन है टू प्राग डिस्टिलरी लिमिटेड वुड बी सेटल्ड बाय द कंपनी बीइंग अ कॉर्पोरेट गारंटर एंड द सम ऑफ USD कितना 11 लाख हैज बीन पेड टू देम। तो लगभग 11 लाख USD यहाँ पर पेड किया गया है।
डेट कन्वर्जन की बात करें, अनदर डेट ऑफ 34 करोड़ एडलवाइज एसेट का रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को भी यहां पर हैव बीन कन्वर्टेड इनटू द 139 लाख इक्विटी शेयर्स यहां पर उन्होंने दिए गए, हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 10 एलॉटेड टू द ईएआरसी ऑन द अप्रैल 24, 2021 ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस में यहां पर दिया गया एग्रीमेंट एंड पैरानॉइड रिचर्ड्स के साथ उनका यहां पर फ्रेंच मल्टीनेशनल पैरानॉइड रिचर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इनकी कंपनी है उनके साथ इनका अगर यहां पर देखें कुछ एग्रीमेंट है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड यहां पर चेंज इन की एमपी यहां पर मिस्टर श्रीजी मुल्लिक रिटायर फ्रॉम द पोजीशन ऑफ सीएफओ और यहां पर ये सब चीज दे रखी है सोशल मीडिया मार्केटिंग फ्यूचर प्लान्स इनके क्या-क्या है तो ये यहां पर आप देख सकते हैं प्रमोट प्लेस की बात करें तो यहां पर इनके लगभग द प्रमोटर है प्लेस अबाउट 89% ऑफ देयर शेयर होल्डिंग इन द कंपनी एज ऑफ दिसंबर 2021 तो यहां पर जो मैं आपको बता रहा था कि कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स भी दिखाई देते हैं शेयर भागता हुआ भी दिखाई देता है बट कुछ नेगेटिव पॉइंट है और नेगेटिव पॉइंट क्या है प्लेसिंग तो इनके पास लगभग इन्होंने जितने भी शेयर है उसमें से 89% जितने भी शेयर का मतलब क्या है कि यहां पर 44% के शेयर है 44% का 44% का यहां पर 89% ओके ये इन्होंने यहां पर प्लेस कर रखे हैं यहां पर ये पर्टिकुलर शेयर्स इसके अलावा कंपनी से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें जानी है तो एक बार इनकी वेबसाइट को विजिट करिए तो आपको यहां पर पता चलेगी इनके जितने भी ये ब्रांड है मानसून के नाम से आते हैं ब्रांडी के नाम से आते हैं ये सारे के सारे आपको यहां पर दिखाई देंगे जो कि जिन ड्रम एटसेट्रा यहां पर इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हुए दिखाई देते हैं तो यहां पर एक बार इनकी वेबसाइट पर जाइए एज वेल एज ये कंपनी बियर बनाने में भी यहां पर काम करती हुई दिखाई देती है तो इस कंपनी के पास अच्छा खासा पोर्टफोलियो भी है ब्रांड भी है और अच्छा खासा ये कंपनी यहां पर काम करती हुई दिखाई दे सकती है तो इसकी तरफ आप ध्यान दे सकते हैं कॉकटेल्स में कंपनी काम करती हुई नजर आती है अब बात कर लेते हैं कुछ यहां पर फाइनेंशियल्स की देखिए इनकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है मार्च 2021 से घटती हुई नजर आ रही है लगातार और लगभग 10% की हिस्सेदारी कम हो गई है मोर देन 10% और प्लेजिंग की बात करें वो भी यहां पर कम होती हुई दिखाई दे रही है बट अभी भी 88.96% की होल्ड यहाँ पर प्लेजिंग है और जब इस तरीके की प्लेजिंग होती है तो याद रखिए एक खतरे का संकेत होती है टू बी वेरी फ्रैंक यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर खतरा भी होता हुआ दिखाई देता है कि इतने प्लेजिंग रख रखी है प्रमोटर्स भाग गए यहाँ पर फ्रॉड करके ये सब चीज तो ये भी एक ये चीज हो सकती है बट यहाँ पर कुछ पॉइंट्स की बात करें तो देखिए 1988 से ये काफी पुरानी कंपनी है तो यहाँ पर 88 में यहाँ पर 1:1, 2:1 का लगभग 2009 और 2010 में यहाँ पर कंपनी ने बोनस भी दिया है राइट इशू की बात करें कंपनी 1994 और 2005 में यहाँ पर राइट इशू भी लेके आई है कंपनी के डिविडेंड की बात करें कंपनी का डिविडेंड अभी तक ऐसा कुछ आता हुआ दिखाई नहीं दिया है इसके अलावा कुछ फाइनेंशियल्स की बात करते हैं देखिए स्मॉल कैप कंपनी है स्मॉल कैप कंपनी इसी तरीके की कंपनी होती है यहाँ पर रिस्क भर भर के होता है बट यहाँ पर जब रिटर्न देने के मामले में बात होती है तो अच्छे खासे रिटर्न भी आपको मिलते हुए नजर आते हैं पीई की बात करें 91 का पीई है जो कि इंडस्ट्री का पीई 28 है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं महंगा दिखाई देता है ये शेयर इस चीज को भी याद रखिएगा आरओसी आरओई की बात करें लगभग 6% का आरओसी है बिल्कुल यहाँ पर आरओसी कुछ खास नहीं है ओके यहाँ पर प्लेजिंग परसेंटेज ज्यादा है यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ एक दूसरी स्मॉल कैप कंपनी है चौथा यहाँ पर महंगी कंपनी यहाँ पर दिखाई देती है स्टिल मैं आपका यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ उसके पीछे का रीजन क्या है वो यहाँ पर हम बात करेंगे जब चार्ट से रिलेटेड बात करेंगे एज वेल एज यहाँ पर इसके रिजल्ट से रिलेटेड यहाँ पर इनके रिजल्ट देखेंगे तो लगातार एक अच्छे खासे रिजल्ट आ रहे थे 2019 तक ओके उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर रिजल्ट कम हुए और कंपनी दोबारा यहाँ पर जैसे यहाँ पर अनलॉकिंग शुरू हुई तो दोबारा इनके रिजल्ट अच्छे आने लग गए और 206 करोड़ की हाईएस्ट एवर सेल्स आई है नेट प्रॉफिट की बात करें जो यहाँ पर लगातार घाटे में यहाँ पर इनकी कंपनी चल रही थी पिछले दो क्वार्टर से अच्छा खासा यहाँ पर इनका प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया है एज वेल एज जो अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई देता है और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये 16% का है जो कि क्वार्टरली और एनुअली बेसिस दोनों बेसिस पे ज्यादा है तो यहाँ पर क्वार्टरली एनुअली बेसिस पे इनका प्रॉफिट ज्यादा है ओके जो कि यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर इस शेयर को थोड़ा सा ऊपर भाग जाना चाहिए और एज वेल एज पिछले 12 क्वार्टर में अगर हम बात करें तो हाईएस्ट एवर इनके नंबर्स आ रहे हैं और पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं ये एक पॉजिटिव फैक्टर है इसके अलावा यहाँ पर और तब जब यहाँ पर कोई भी यहाँ पर अदर इनकम नहीं है इस चीज को भी माइंड में रखिएगा इसके अलावा ईयरली बेसिस पे बात करें कंपनी का ईयरली बेसिस पे परफॉर्मेंस सेम एज इट इज यहाँ पर 2014 तक अच्छा खासा हुआ उसके बाद लगातार गिरावट और अगेन यहाँ पर पिछले 12 महीने की सेल्स 735 करोड़ की है जो कि बता रही है कि यहाँ पर सेल्स और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है नेट प्रॉफिट की बात करें यहाँ पर पहले अच्छा खासा प्रॉफिट था फिर बीच में काफी साल तक नेगेटिव प्रॉफिट और अभी की बात करें तो अगेन यहाँ पर पिछले 12 महीने में 13 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है जो कि पॉजिटिव है तो धीरे धीरे शायद यहाँ पर शेयर
ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की एक बार बात कर लेते हैं, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए, जब चीजें अच्छी खासी थी तो यहाँ पर अच्छे खासा शेयर यहाँ पर भाग रहा था भी, और बीच में यहाँ पर गिरावट होती रहती है फिर भागता रहता है, तो इस चीज के बारे में भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के पर्पज से ये शेयर बिल्कुल भी नहीं है, इसे बताया जा रहा है पोजिशनल बेसिस पे या स्विंग ट्रेड के बेसिस पे, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स नेगेटिव है, बट यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो नेगेटिव 412 करोड़ था वो यहाँ पर कम होकर यहाँ पर 149 हो गया, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। बोरिंग की बात करें, बोरिंग जो इनकी 1000 करोड़ के आसपास थी वो भी यहाँ पर लगभग आधी हो गई है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। और यहाँ पर वर्किंग प्रोग्रेस में 100 करोड़ रुपए लगे हुए, जब से 100 करोड़ यहाँ पर ऐड होंगे तो इनकी सेल्स और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। लोन की बात, यहाँ पर कैश की बात करें, लगभग 41 करोड़ का यहाँ पर इनके पास कैश भी है, और ट्रेड रिसीवेबल लगभग 211 करोड़ का हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा प्रोमोटर्स की होल्डिंग की हमने बात कर ली है, FIs ने थोड़ी सी हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाई है 0.1% की। पब्लिक की बात करें, 55% की होल्डिंग यहाँ नजर आती है, बट यहाँ पर बड़े बड़े लोगों के पास हिस्सेदारी है, कुछ बड़े बड़े लोगों ने एज वेल एज यहाँ पर बार्कले वेल्थ ट्रस्ट ने यहाँ पर लगभग 7.67% की, यहाँ पर रमेश गुप्ता ने और यहाँ पर विश्वनाथ ने यहाँ पर 1.24% की हिस्सेदारी यहाँ पर खरीदी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मेजरली यहाँ पर होल्डिंग की बात करें बड़े लोगों के पास ही है, थोड़ी बहुत होल्डिंग ही यहाँ पर रिटेल पब्लिक के पास नजर आती है। अब यहाँ पर चार्ट पैटर्न की बात करें, तो यहाँ पर इसके चार्ट पैटर्न यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर एक इस लेवल से अगर ये शेयर यहाँ पर ऊपर निकलता है रेजिस्टेंस और यहाँ पर सपोर्ट की हम बात करेंगे सीधे, तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो ये जो लेवल है यहाँ पर लगभग 75.75, लगभग एग्जैक्ट लेवल मैं आपको बता देता हूँ, 75.5 अगर इस लेवल को यहाँ पर से निकालता है तो याद रखिए एक जंप होगी, जो कि ये शेयर को 85 रुपीज तक ले जाएगी, ओके। और इसके बाद इधर से भी यहाँ पर निकला तो सीधे यहाँ पर ऊपर जाता हुआ शेयर दिखाई दे रहा है, तो एक जिस तरीके से यहाँ पर चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पर से इस लेवल से अगर ये क्रॉस करती है तो यहाँ पर एक अच्छे खासे रिटर्न लगभग 30-40% के रिटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि इजी रिटर्न यहाँ पर दिखाई देते हैं। और एक कंसोलिडेशन की बात करें तो एक अच्छा खासा यहाँ पर कंसोलिडेशन भी हो गया है, नवंबर से लेके अभी तक लगभग 6 महीने का यहाँ पर कंसोलिडेशन है, और चीजें यहाँ से जब ऊपर जाएगी तो अच्छा खासा चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। अब ये तो डेली बेसिस पे हो गई बात, और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एक बार वीकली बेसिस पे, तो यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न और बनता हुआ नजर आ रहा है, और वो चार्ट पैटर्न क्या है उससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कप विद हैंडल पैटर्न टाइप में यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा सा हम इसे यहाँ पर ऊपर लेंगे, तो आप यहाँ पर से देखेंगे इसे एक तो चार्ट पैटर्न यहाँ पर ही बनता हुआ नजर आ रहा है, एक यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, ये एक यहाँ पर कप बना, कब बनने के बाद यहाँ पर नीचे आया और यहाँ पर हैंडल बन के ये चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है, जो कि इसे सबसे पहले तो जो रेजिस्टेंस बताया और जो सपोर्ट बताया वहां से ऊपर जाएगी, और फिर उस अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे खासे आते हैं, कंपनी परफॉर्म करके दिखाती है, तो एक बेहतरीन यहाँ पर शेयर भाग सकता है और भाग के यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न आपको शो कर सकता है, जो कितने कितने यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, लगभग 800 रुपए तक ये शेयर जाता है, बट 800 रुपए तक हम यहाँ पर इतना वेट नहीं करेंगे, ओके, और ना ही इतनी लंबी चौड़ी बातें करेंगे, हम बातें करेंगे सिंपली जो रियलिस्टिक है, ओके, हम बात करेंगे कंपनी का शेयर कहाँ तक जा सकता है। तो देखिए 146 जो इसका हाईएस्ट लेवल है वहां तक जा सकता है, जो कि यहाँ पर लगभग डबल ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, 100% के यहाँ पर टारगेट नजर आते हैं, बट वो कब आएंगे, जब यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट अच्छे खासे आएंगे, और जो अभी रिजल्ट अगर अच्छे खासे आते हैं तो चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो आपको यहाँ पर कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के साथ साथ पॉजिटिव पॉइंट्स को भी देखना है कि कंपनी के रिजल्ट अच्छे खासे आ रहे हैं और पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, और अगर एक और दो क्वार्टर और अच्छे खासे रिजल्ट आ जाते हैं तो ये शेयर यहाँ पर बूम होता हुआ नजर आ सकता है। और ये पर्टिकुलर लेवल अगर 75 का ये क्रॉस करता है, 76 क्रॉस करता है, तो आपको इजी वे में यहाँ पर 103 तक भी शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो शॉर्ट टर्म में आपके यहाँ पर ये टारगेट आते हुए दिखाई दे रहा है। तो बाइंग सेलिंग की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हमारे इन पर्टिकुलर नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।